Hey guys, assalamualaikum से सरकार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हुरानिया, मैं हुरोहन, और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए हैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है लड़की ने पंडित जी से कहा आप सच क्यों नहीं बोलते हो, अनिरुद्ध आचार्य जी वर्सेस डॉक्टर जाकिर नाइक। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है, आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखते हैं कि ये लड़की पंडित जी पे क्या आरोप लगा रही है। पहले पंडित जी का रिप्लाई देखेंगे, उसके डॉक्टर जाकिर नाइक सर का रिप्लाई देखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। के अपोजिट है ना इंद्रेश जी महाराज, वो अपनी कथा में अलग कहानी बताते हैं। उनका कहना है कि ये कहानी गलत है, मतलब ऐसा तो कुछ कहीं लिखा ही नहीं है। भगवान का हृदय, जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है, ये तो सुना होगा आपने। तो वो हृदय परिवर्तन क्या है, कहाँ से हृदय आया, तो ये भक्तमाल की कथा है। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने सवाल था भगवद गीता का, जिसमें कृष्ण कहते हैं, उन्होंने कहा संस्कृत में तर्जुमा नहीं किया, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी इस धरती पे जुल्म होगा तो उस वक्त भगवान एक पैगंबर को भेजेंगे, और हर दौर में एक पैगंबर आएगा, सम भगवान योगी होगे, हर युग में आएगा। तो भाई का सवाल है क्या कृष्ण गलत है? आप मुसलमान क्यों कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? भाई साहब सबसे पहले हम कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, क्योंकि ये कहा गया कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में कहा गया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर्जालकुम वलाकी रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीमा, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों में से किसी के वालिद नहीं है लेकिन खातिमुन नबीन है, आखिरी नबी है, क्योंकि कुरान मजीद में कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, हम इस पे यकीन रखते हैं। जहां तक कि आपने कहा श्री कृष्ण, मैं श्री कृष्ण की बात को मानता हूं कि जब भी इस धरती पे गलत काम होंगे उस वक्त खुदा एक पैगंबर को भेजते हैं, और हर दौर में एक पैगंबर भेजेंगे, बिल्कुल गलत नहीं है। आपको समझने में गलती हुई, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे भगवत गीता, भगवत गीता को कहा गया है कि ये वेद का निचोड़ है, इट इज द नेक्टर ऑफ द वेद, वेद का निचोड़ है। और जब आगे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ कल्कि पुराणा में, कल्कि पुराणा में लिखा है, कल्कि पुराणा चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5, 7, 11, 15 में लिखा है कि एक कल्कि अवतार आएंगे जो कलयुग में आएंगे, और कलयुग आखिरी युग होगा, और ये कल्कि अवतार लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे, और ये कल्कि अवतार के वालिद का नाम है विष्णु व्यास, मतलब भगवान का नौकर, अरबी में अब्दुल्ला जो नाम थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का, उनके वालदा का नाम होगा सुमति, सुमति मतलब अमन शांति, अरबी में होगा आमिना जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम। वो पैदा होंगे अमन के शहर में जो है मक्का, वो पैदा होंगे ऐसे खानदान में जो उस शहर के चीफ होंगे, हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए, उनके चार करीब दोस्त होंगे, हम जानते हो चार खुलफा राशिदीन है, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत सब पे हो। उनको सबसे पहली वही मिलेंगी एक गार में, एक केव में, हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले वही मिली गारे हिला में, उनको रात के बाद सबसे पहले वही आएंगी, वो ही विल माइग्रेट नॉर्थवर्ड्स एंड कम बैक, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत किया और फिर से वापस मक्का लौटे। ये सारी निशानियां जो लिखी है कल्कि अवतार के बारे में वो हू बहू उतरती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, हर युग में एक अवतार आएगा, आखिरी युग होगा कलयुग, ये कलयुग है भाई साहब, ये कलयुग है, और कलयुग के आखिरी अवतार है कल्कि अवतार, जिसका नाम कुरान मजीद में लिखा गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो आपकी भगवत गीता में लिखा है मेरे हिसाब से सही लिखा हुआ है कि हर युग में एक अवतार आएगा, और आखिरी युग है लिखा हुआ है कल्कि पुराणा में वो कलयुग है, और कलयुग के अवतार है कल्कि अवतार। तो आप सबको जोड़ेंगे तो पता लगता है कि आपके वेद में भी कई निशानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कई बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, कम से कम 100 हवाले तो मैं देख सकता हूँ जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8, उसमें कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और वो एक फॉरेनर रहेंगे और वो डेजर्ट से आएंगे, लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे कुंटप सुक्तास अथर्ववेद किताब नंबर 20 चैप्टर नंबर 127 श्लोक नंबर 1 से 14 उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह वेद के अंदर है, कई जगह पुराना में है। तो अगर आप भगवत गीता को लेते हैं, पुराना को लेते हैं, कल्कि पुराना को लेते हैं और एक मानते हैं, तो सारे ये श्लोका कह रहे हैं कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानना चाहिए। भाई साहब
भाई साहब जी, भगवत गीता मानते हैं आप? देखिए, मैं मानता किसी को नहीं हूँ, मैं तर्क के बौद्धिक स्तर पर जो मेरा लॉजिक एक्सेप्ट करता है उसी को मैं मानता हूँ। लेकिन आपने भगवत गीता का हवाला दिए क्या? नहीं नहीं, मानने का मतलब वो आंख बंद कर मानना, मैं आंख खोल कर मानता हूँ। तो आंख खोल के आप मानते क्या नहीं भगवत गीता को? बिल्कुल मानता हूँ। जो मान तो भगवत गीता में लिखा है जो आने वाले आखिरी अवतार जो पुराण कल्कि पुराना में लिखा हुआ है, कल्कि अवतार उसमें मानते हैं आप? नहीं, पुराण की बात नहीं कर सकूंगा क्योंकि कुरान की बात नहीं, पुराना कल्कि पुराना पुराण में मैं कर रहा हूँ। चूंकि पुराण 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 के बारे में पुराणकार का जो कहना है कि अष्टादश व्यासस्य वचनम द्वे पापाय परपीडनम पुण्याय परहितनम, इसी तरह का है कि 18 पुराण का उद्देश्य है कि दूसरे को कष्ट देना पाप है और दूसरे का भलाई करना पुण्य है। मैंने कब बोला कि दूसरे को कष्ट दो और दूसरे के भलाई मत करो? मैं कह रहा हूँ इस आधार पर मैं पुराण कुरान में लिखे लगा दूसरे को कष्ट दो, कुरान में भी लिखे दूसरे को कष्ट मत दो, कुरान में भी लिखे दूसरे की मदद करो, इसके ऊपर बहस नहीं हो रही है। बहस हो रही है कल्कि पुराना पे, कल्कि अवतार पे। आप आखिरी पैगंबर में मानते हैं कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। मुझे कल्कि पुराण का अध्ययन नहीं है, कल्कि पुराण का अध्ययन नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे कल्कि पुराण का अध्ययन नहीं है। तो आप अगर बुद्धि के ऊपर आप मानते हैं तो मेरी ये आपसे इल्तिजा रहेंगी कि कल्कि पुराना पढ़ो और ये जांच पड़ताल करो कि कल्कि अवतार कौन है, और कल्कि अवतार की तहकीक करो, आप इंशाअल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानेंगे। तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इस पे तहकीक करो कि आखिरी अवतार कौन है, और इंशाअल्लाह आपको हिदायत देंगे अल्लाह ताला। डॉक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे एक भाई को दूसरा सवाल पूछने के लिए दिया, एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? एक छोटा, वेरी 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 कीजिए कीजिए। मुसलमान लोगों को जब कोई हिंदू मिलता है तो बोलते हैं उसको आदाबर, लेकिन किसी मुसलमान को बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि एक मुसलमान हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव करता है, कृपया आप स्पष्ट कीजिए इसको। भाई साहब का सवाल है कि अगर कोई मुसलमान हिंदू से मिलता है तो आदाबर करता है, अगर कोई मुसलमान से मिलता है तो अस्सलाम को कहता है, तो हिंदू मुसलमान में भेदभाव क्यों? भाई साहब, हिंदू मुसलमान में भेदभाव तो रहेगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि हिंदू हिंदू है, मुस्लिम मुस्लिम है, लेकिन एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। पहले भाई साहब इसने सवाल किया था, उन्होंने मुझे आदाब कहा, तो मैंने उनसे कहा सलाम अलैकुम, कहा कि नहीं? जी जी जी, कहा ना, हिंदू ने मुझसे क्या कहा आदाब कहा कि नहीं? मैंने उनसे सलाम कहा कि नहीं? जी, मैं गौर किया। गौर किया माशाल्लाह, लेकिन तो गौर किया तो कहा क्यों नहीं? आपने ऐसा नहीं कहा, वो हिंदू भाई ने मुझे आदाब कहा। डॉक्टर साहब जी हाँ, यू आर नॉट ओनली वन मुसलमान, आई सी लाख्स ऑफ मुसलमान, बट दिस क्वालिटी फाइंड ओनली इन यू। ओनली इन मी माशाल्लाह, ओनली इन यू। भाई साहब कह रहे कि वो खुद मुसलमान को जानते, सिर्फ मुझ में देखा कि मैंने सलाम कहा। जी, इसकी वजह ये है क्योंकि उलमा में इख्तिलाफ है कि आप गैर मुसलमान को सलाम कर सकते हैं क्या नहीं। पहला ये जान ले अस्सलाम वालेकुम की मानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम की मानी है कि आप पे सलामती हो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू, आप पे सलामत रहे, रहमत रहे और बरकत रहे। ना इसमें इख्तिलाफ है मुसलमानों में, मुसलमान उलमा में, क्या आप गैर मुसलमान को सलाम कर सकते हैं कहने, गैर मुसलमान के सलाम का जवाब दे सकते, इसमें इख्तलाफ है। क्योंकि एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क्योंकि एक हदीस है जिसके अंदर यहूद लोग मुसलमान को कहते अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम का मानी आप पे मौत हो, साम के मानी मौत, अस्सलाम वालेकुम आप पे मौत हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपको अलैकुम उन पे भी। तो ये हदीस है, सही हदीस है, यहूद लोग कहते थे मुसलमान को छेड़ने के लिए अस्सलाम अलैकुम आप पे मौत हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपको अलैकुम आप पे भी हो। तो इसकी वजह से इख्तिलाफ, और कई हदीसें हैं, मैं ज्यादा बहस में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि आप अस्सलाम वालेकुम कह सकते, क्योंकि कुरान मजीद की एक आयत है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में कहा है, अगर कोई आपको ग्रीट करता है, अगर कोई ग्रीट करता है तो आप और बेहतरीन तरीके से ग्रीट करो, अगर कोई आपको ग्रीट करता है और बेहतरीन तरीके से ग्रीट करो, या कम से कम उतना। तो अगर कोई अस्सलाम वालेकुम कहता है, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू, या कम से कम उतना, ये जरूरी है। तो इसीलिए अगर कोई मुसलमान मुझसे आदाब करे तो आदाब से बेहतर क्या है, अस्सलाम वालेकुम। और अल्लाह के रसूल के लिए कहा गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह फरमाते हैं, जो मैंने तकरीर में बयान किया सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, के हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन रहमत बना के सारे इंसानों के लिए, सारे आलम के लिए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के लिए रहमत बन सकते तो क्या मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नहीं कह सकता हूँ? तो इस बुनियाद पे उलमा का इख्तिलाफ है कि अस्सलाम कह सकते हैं। मैं उन उलमा में मानता हूँ जो कहते हैं कि आप गैर मुसलमान को सलाम कह सकते और जवाब भी बेहतरीन दे सकते।
इसीलिए जब भाई साहब ने कहा अदब, तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कि मेरे हिसाब से अस्सलाम वालेकुम और बेहतर है, अदब से बेहतर है। सो गाइस ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। तो मेरे को भी पहले नहीं पता था कि सलाम का मतलब क्या होता है, लेकिन जब पता चला तो यार उसका इतना इतना अच्छा मीनिंग होता है कि यार जो भगवान है, जो क्रिएटर है, वो आपको सलामत रखे, ठीक है। और जब सामने वाले भी बोलते हैं वालेकुम असलाम, तो वो भी यही बोलता है कि आपको भी ऊपर वाला सलामत रखे। मतलब कितना अच्छा मीनिंग है, पहले ये नहीं पता था, जब हम रिएक्शन देने लगे तभी हमें ये सब चीज़ें समझ में आई। और एक चीज़ की जो इस वीडियो में बताया गया कि स्टार्टिंग से तो डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने ये बताया कि ये बताया कि जो वेद है उसमें भी यही बताया गया है कि जो कृष्ण जी है उन्होंने ये बोला है कि हर दौर में जब अगर लोगों को कुछ मतलब लोग गलत रास्ते में जाएंगे तो उनके लिए उनको सही रास्ते में भेज लाने के लिए भगवान टाइम टाइम पे एक अवतार भेजते रहेंगे। तो लोगों का जो मीनिंग है मतलब अवतार को लेके उसमें लोग कंफ्यूज हो चुके हैं। अवतार का मतलब होता है मैसेंजर, ठीक है। वैसे ही कल्कि अवतार के बारे में जो बोला गया कि कलयुग में आएंगे तो वो उनकी जो सारी डिटेल्स है वो जाके जो नबी है हमारे लास्ट मैसेंजर उनसे जुड़ती है। तो ऐसे कैसा हो सकता है कि पूरी चीज़ें उनसे जाके जुड़ रही हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए लोगों को, जो क्वेश्चन होता है वो पूछना चाहिए अपने जो भी स्कॉलर्स होते हैं उनसे। और आजकल स्कॉलर्स से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आपको रिसर्च करके देखना चाहिए और सोचना चाहिए, इतना दिमाग लगाना चाहिए कि हमारे क्रिएटर ने अवतार जो भेजे हैं वो ही क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर यही बताया गया है जितने भी धार्मिक किताब है उसमें कि क्रिएटर एक है, लेकिन जो टाइम टाइम पे जो आएंगे वो मैसेंजर होते हैं, ना कि क्रिएटर, जो कि सही रास्ते की तरफ लेके आएंगे लोगों को। सो गाइस ये था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।